14 अगस्त पे जो करता तू आप लोगों को पता होगा डेली व्लॉगिंग छोड़ रहा था, अब कोशिश कर रहा हूँ हो जाए, क्योंकि यार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज पूरा दिन व्लॉग नहीं कर रहा, आप देख रहे हो रात में व्लॉग कर रहा हूँ, वो भी इस वजह से क्योंकि वो सामा लोग आ रहे हैं वहाँ पर CSE तो घर के पास आ रहे हैं, तो वहाँ जा रहा हूँ, उनसे मिलूँगा, ब्लॉग वगैरह तो कर लूँगा डायरेक्ट। बाकी ये उनसे मिलूँगा, छोटा होगा ब्लॉग, एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। पता नहीं ये लोग आए या नहीं आए, मेरी ख्वारी हो गई है या मैं जल्दी पहुँच गया हूँ, इन लोगों को ढूँढ रहा हूँ, देखता हूँ मिलते हैं तो फिर आप लोगों को ही मिलवाता हूँ। हिम्मत नहीं है बिल्कुल ब्लॉग करने की, इवन कि जो एक पेंडिंग ब्लॉग है वो तो एडिट भी नहीं हुआ, यहीं बैठ के करूँगा, देखते हैं वो भी एडिट होता है या अपलोड होता है या नहीं होता। मुनीर, टिब्बी, समीर और पीछे उसामा महमूद, मुझे बुला लिया, खुद आए नहीं और अब ऐसे आ रहे। किसकी वीडियो बना रहे तू? तो बर्थडे बॉय, इसका केक काटेंगे। और बताओ तू तो जो बोले तुझे मैंने बोला, तुम लोगों को मैंने बोला आने को है, तेरे को भी तो बोला ना आने को। भाई वॉशरूम के पास बैठी है। ये किसकी बात हो रही है? एमए की दूती बंदी। कौन सा दिया जला रहे हैं लोग? कहाँ जा रहा है? यहीं रुक यार, एक वीडियो बनानी है। बनानी है? अबे नहीं, वहाँ बनानी है ना, आ जा। ये सही चमक रहा, चुप ना। डेली व्लॉगिंग तो छोड़ रहा था पर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज ये लोग आ गए, थोड़ी हिम्मत हो गई हमें दिखाइए, इन लोगों की वैसे बढ़ दिया। ये काट दे यार, वीडियो में मारता है। क्या वो मारा है इसे? फिर बड़ो बड़ो में हो गया, उसामा और इब्बी में हो गया, बड़ो बड़ो में हो गया। खुलते ही तुम्हें इतनी सारी चीजें क्यों याद आती है? मुझे एक बात पता है, जब ये खुलता है, ये खुलता नहीं है, खुलता नहीं, जैसी मैं दे रहा हूँ आप फोन कैमरा खोल दे दो कि मैं डेली व्लॉगिंग। What the hell are you doing, bro? Oh, English. की माँ का उठ क्या बोलेगा? तुझसे बात करी? La 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 la. Hey, the motherfucker. Do 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 do. Oh no. Yo, Aladdin. Aladdin. Sama. क्या सीन है फिर? कल का सीन ही सीन है ब्रो, आओ तुम वीडियोस बना दे। माशाल्लाह हम लोगों ने नया घर लिया है, उस घर का मैं थोड़ा मुआयना आप लोगों को कल कराऊंगा। मैंने इसकी स्नैप देखी, मैंने माशाल्लाह बोला, ये बंदा तो होकर आ चुका है इसके घर से, इसने ही बड़ी तारीफें करी, बोल रहा है टाइल्स ही टाइल्स। हेलो फ्रेंड, स्टिंग पी लो घर में। क्या समीर तू इतना चुप क्यों रहता है? अब पहले बजाते ही नहीं हो यार। मैं मेरे जहन में अभी एक चीज़ आई, उसामा इतने टाइम से डांस कर रहा है, क्या कहते हैं इब्राहिम इतने टाइम से डांस कर रहा है, ये बोलने वाला था मैं, इतने टाइम से यार डांस कर रहा है, तो मैं सोच रहा इनसे कुछ सवाल कर लूँ अबाउट डांस, मतलब कि डांस की जर्नी क्या है, एक्सपीरियंस शेयर कर। हाँ तो भाई उसामा, तुझे कितना टाइम हो गया उसामा डांस करते हुए? 5-6 साल। अच्छा, कैप का लेबल अंदर करो सबसे पहले, यो फ्रिंग। हाँ अब बताओ क्या? 5-6 साल। 5-6 साल तो डांस करते हुए? अबे झूठे इंसान, मौत नहीं आई तुझे झूठ बोलते हुए? पहले तो झूठों को ना वो मौत आती थी डायरेक्ट, अब तो खांसी भी नहीं आ रही है। 6 साल मेरे भाई की शादी को होगा। हाँ। जब डांस कर रहा था ये। हाँ। फिलहाल मैंने यहाँ डांसर की बात करी है, तुम बीच में नहीं बोले, ना बोले तू बात कर। मैं आपको सच सच बताऊँ, एमएल ना जब इतू सा था ना, इतू सा था, जब से डांस कर रहा है झूठ बोल रहा है, वरना आप इसकी अम्मा से पूछ लेना। मेरी बात सुन, आर्ट काउंसिल को पता कितना टाइम हो गया? 2015 में एक और 2017 में हम मिले थे, ठीक है ना, 2017 और 2022, मतलब 5 साल तो इस चीज को होगा आपके।
धरू तेरे सही तो बोल रहा है, और तेरी वो कायदे आजम पे वो इतनी पुरानी वीडियो देखी है ब्लू आई हिप्नोटाइज 14 अगस्त पे जो करता तू, छोड़ दे अभी मैं इस पे ही बात। यार मुझे इतना अंदाजा नहीं, लेकिन एक प्रॉपर जो डांस मैंने स्टार्ट किया है ना, जैसे कि होता है कि शुरू में तो हर कोई डांस करते हैं अपनी, अच्छा एज अ पब्लिक प्रोफाइल, मतलब फिर ठीक है, फिर सही है। मेरा जो फर्स्ट जो अभी जो जैद ने बताया कि 14 अगस्त में मेरे स्कूल का इवेंट था, सही है, सही। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उसके बाद से जब मुझे वहाँ से कुछ मतलब कि आपको पता नहीं था कि आप इतने अच्छे डांसर बन जाओगे, आप आगे इतने कॉम्पिटिशन जीतोगे, आप आर्ट कॉन्सर्ट जीतोगे, आप बैटल जीतोगे, आपको ऐसा पहले से पता था, अपने डांस के ऊपर भरोसा था या फिर नहीं था? मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं डाउट इसने भाई, माशाल्लाह बड़े मैदान फतह करे हमारे बच्चे ने, काफ़ी आर्ट कौंसिल में फर्स्ट पोजीशन उठाई है, फिर उसके अलावा बैटल्स वगैरह जीती हैं, परफॉर्मर तो बहुत अच्छा है। आप तो अब यही सेम सभी भाई आपसे, आपको कितना टाइम हो गया, आप वैसे तो पूरे 30 साल के हो। सही है, बाप रे बाप, आप बताओ सही से बता। मुझे हो गए कुछ तकरीबन सी एस डी 17 साल। सी एस डी का मतलब है पता नहीं क्या है, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, पर होता ना तो बता दो। मैं भाई जल्दी बता यार, मैं कर रहा हूँ, तुम्हें मसला है, तुम कर लो ना, जल्दी बता। तो मुझे हो गए हैं नाजरीन कोई 6 से 7 साल डांस के अंदर, और ये भी झूठ बोल रहा है। अब मैं आपको बताऊं क्या कहते हैं, 4 साल तो हमें मिले होगा। गाइस मैं आपको सच सच बताऊं, मुझे काफ़ी टाइम से डांस कर रहा हूं, सही है, लेकिन मतलब उस वैसे नहीं कर रहा जैसे मतलब एक्सप्लोर नहीं कर रहा था। हाँ कर तो मैं बचपन से रहा, मुझे बताओ कि बचपन में किस उम्र में डांस कर रहा था, कौन से तू बताओ मतलब। सबसे पहला गाना मेरे कज़न की शादी थी, तो वहाँ पर मतलब मैं 5-7 साल का होगा। हाँ तो उसमें मेरा फर्स्ट सॉन्ग था सुरुरुरु, शायद सुना हो आपने। हाँ सुरुरुरु कुछ रूप मतलब मेरे पब्लिक ने, फिर उसके बाद से ना मुझे ना शौक चढ़ा होगा, शौक चढ़ा, नोट आया होगा ना नोट करने के बाद, फिर उसके बाद ना मतलब मैंने ना अपने कजन अपने जहाँ में रहता था पहले, कजन्स वगैरह की जितनी भी शादी होती थी मैं वहाँ मतलब डांस करता था। उसके बाद एक सॉन्ग था जो बहुत मशहूर था डांसर्स का, मतलब वो था आलू चाट, तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम अपना ग्रुप खड़ा मतलब बनाया था मैंने। पहला गाना था जिसके ऊपर तूने डांस स्टार्ट करा था भाई, जब मैंने डांस स्टार्ट करा था ना उस टाइम पे वो गाना था वो, हाँ बताओ, जाने मेरी जाने मन बचपन, चल छोड़ हो गया, आयोगी माँ आयोगी मात्रा चल। तो मेरा जो पहला सॉन्ग था जल्दी बताया, आलू चाटी था सबसे पहला सॉन्ग जो था ना मेरा, वो आलू चाट था। और एक और मैं आपको बताऊं, मेरा स्कूल में जो सबसे पहला मैंने परफॉर्म करा था ना वो करा था, वो गाना शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, एक पंजाबी सॉन्ग है मतलब बहुत पुराना, वो कहते हैं वो सुंदरो सुंदरो लाल लाल सुंदरो, उस पर मतलब एक टैबलो करवाया था स्कूल वालों ने जिसको मैंने क्रिएट करा, गाने सराइकी गानों से स्टार्ट किया इसने। मेरा जो पहला गाना था ना वो क्या कहते हैं तेरे नाम नहीं देखी थी, लगन 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 लगन। उसके बाद मैंने अपनी बर्थडे पे दूसरा गाना किया दिल में मेरे दर्द डिस्को दर्द डिस्को, पूरा पूरा शाहरुख खान का कॉपी, मैं अपने आप को शाहरुख खान समझता, शर्ट के बटन मेरे खुले में यूं होता था। हाँ अभी इतनी दिखती है, उस टाइम कितनी दिखती होगी, और मैं अपनी बर्थडे को अपना शुंग उस टाइम तो मूवी बनू की बात कर रहा है, कब से तेरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, मेरे कर दिया। गाइस मैं आपको बताऊं, ये जो बंदा बैठा हुआ है ना ये भी एक थोड़ा सा छोटा मोटा डांसर है, सही है, समझ आया नहीं हो। तूने कौन से गाने से स्टार्ट करा था, कभी तो करा होगा ना, झूम बराबर, ये वो गाना है झूम बराबर जो पाकिस्तान के काफी डांसर ने ना अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी, मेरे स्टेज से मतलब जो स्टेज पे जो पहला गाना करा था वो तो यही था मेरा, हकीकत है। और लगन लगी कि तेरे भाई ने इतनी प्रैक्टिस करी थी, मैम ने किसी और को दे दिया था कि ये गाना तुम करोगे, पहले मुझसे सिखवाया उसको, फिर बोल रहे अब ये तुम करोगे, तुम टैबलो में हो ना 2-3 तुम नहीं करोगे, लगन लगी है ना लग गए। फिर उसके बाद मैंने बोला मतलब आपसे सल्लू भाई नहीं, अब से चारू खान, फिर हमने करा दिल में मेरे दर्द 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 दर्द
इतना डिस्को था कि दर्द हो गया था डिस्को मार मार के। हाँ तो भाई अब ये लोग निकल रहे हैं, मैं भी घर आ रहा हूँ। तू कल आएगा वीडियो के लिए? दुकान 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 वीडियो बनाया, उसका तो मसला नहीं है, वो तो हम रख के भी कर लेंगे, पर ये हाँ बना देता तो अच्छी बन जाती है। नंबर प्लेट पर चुप रही हो बस, आवाज आवाज अज्जू एले ले। हाँ मोहसिन क्या सीन है? बीवी ओए बीवी। हाँ हाँ बोलो। जब तुझे पता था तेरी शादी है, तुझे घोड़ा पर बिठाए तो गधा वाली हरकत कर ली। लेकिन देख ना देख, अब मैंने तुझे शादी में गाली नहीं हुई। हाँ जाते इसको फैमिली देखती है, फैमिली देखती है। ये महीने है शादी में, बता रहा मेरा गुद्दी में बहुत है, बहुत है टाइम, मेरी शादी में बहुत टाइम, बता रहा हूँ। कल टाइम बता दो, कल टाइम तुम भाई एमिल मैं क्या हो गया वो निकाल लगा था आवे तू उठा हुआ होगा तो आएगी ना। तुम लोग आ जाओ, बताया आ जाता था।